करेले को धोने के बाद मैं यहाँ पे कट करने लगी थी, और यहाँ पे मैंने जिसमें करेले को धोया था उसको अच्छे से खंगार के उसे मैं कट करके रखूँगी, इसके लिए मैंने उसको खंगार लिया था। और यहाँ पे मैं करेले कट कर रही थी और करेले बहुत सारे थे और काफ़ी टाइम लग जाता, तो जल्दी जल्दी मैं कट कर रही थी करेले को। और अब देख सकते हैं बीच से कट लगा के फिर मैं ऐसे करेले को कट कर रही हूँ। वैसे मैं चाहती तो गोल गोल भी काट सकती थी, बट नहीं, मैंने बीच से किया जो जो बड़े बड़े करेले थे उसके लिए। और यहाँ पे जो छोटे करेले मेरे होंगे ना उसको मैं गोल गोल ही डायरेक्टली कट कर दूँगी। और करेले की भुजिया में ना मैं बस हल्दी और नमक डालूँगी और सरसों तेल बस, और प्याज वगैरह कुछ नहीं, और मिर्च का फ़ौरन लगाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो एक करेले मुझे दिखे ख़राब हैं, फिर दूसरे भी ख़राब हैं, फिर यहाँ पे मैं तीसरे भी ख़राब हैं। तो दिखने से एकदम फ्रेश लग रहे थे ना, और जैसे मैंने कट किया ना वो उसमें से, सीरियसली बता रही हूँ, जो वाइट वाइट कीड़ा नहीं होता है, जो अजीब तरीके से चलता है गंदा सा, ऊपर से एकदम फ्रेश लग रहा है करेला। मुझे ना बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसा सब्जी लेकर आए थे। ऊपर से तो करेला एकदम फ्रेश दिख रहा था, एकदम ताज़ा दिख रहा था, टाइट दिख रहा था, और जैसे कट कर रही थी ना बीच से खोखला और उसमें एकदम कीड़ा लगा हुआ था, और पूरा कीड़ा चल रहा था उसके अंदर। एकदम सच बता रही हूँ, एकदम घिन आ जा रहा था मुझे कि यार कैसा करेला लेके आए ये, दूसरी कहाँ से सब्ज़ी लेके आ गए हैं पता नहीं। तो ना ख़राब मिल जाता ना सब्जी जो ख़राब निकल जाता है ना, इसकी वजह से ना काम और बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे ना एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया था कि जो भी ख़राब मैं कट कर रही हूँ ना उसको मैं चाकू को वॉश कर करके फिर कट करूँगी, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रहा है कि मैं इसमें ऐसे ही बना दूँगी, उसको फिर भी एक बार चेक कर लूँगी। मैं चेक कर करके कट कर रही हूँ, चेक करके कट करने से ना और ज़्यादा लेट हो रहा है। एक तो आज मैं सुबह उठ गई, सोची मैं आज जल्दी खाना बना लूँगी, सुबह उठ गई हूँ तो बहुत सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, और रील्स वगैरह बनाऊँगी और थोड़ा सा वीडियोज़ और बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे तो छोटा छोटा चीज़ में ना ऐसा ड्रामा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि यार पहले क्या करूँ नहीं करूँ, एक ही काम में एंगेज हो जाओ उसके बाद दिन भर पूरा चला जाता है। यहाँ पे करेले पता नहीं कैसे करेले लेकर आया यार, करेले के जैसे मैंने कट किया ना करेले के अंदर से पानी एकदम बाहर निकल गया, कचड़ा, उसमें कीड़ा लगा हुआ था, मन एकदम ख़राब हो गया, सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दिया तो मैं उनके पास गई हूँ रूम में, क्या हुआ, तो उन्होंने बोला मुझे कि जल्दी से चाय बना दो, तो मैंने चाय चढ़ा दिया और फिर करेला कट करने के लिए लग गई। यहाँ पे मुझे आज इतना गुस्सा आ रहा था ना, बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने गुस्से को ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बस फिर भी काम कर रही थी कि सुबह का टाइम है यार, किचकिच नहीं करना है मुझे अपने हस्बैंड के साथ, या फिर सुबह सुबह किसी के साथ भी किचकिच करना सही नहीं है, पूरा दिन ख़राब हो जाता है इंसान का सुबह, मतलब काम का टाइम होता है ना, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है अभी तक, लेकिन वो पूछेंगे तो बोलूँगी ज़रूर। यहाँ पे ना इतने सारे करेले मैं कचरा साफ़ कर रही हूँ, मैं डर के मारे ना जो भी अच्छे करेले ना उसको कट करके पहले रख दे रही हूँ, क्योंकि मान लो कि अच्छे करेले के साथ मैंने अगर जल्दी जल्दी में करेला काट दिया और कोई ख़राब करेला कीड़ा वाला कट के रह गया उसमें ना, तो बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा, मिल जाएगा। ऊपर से करेले एकदम सॉफ्ट, मतलब एकदम अच्छे लग रहे हैं, एकदम साफ़ सुथरे लग रहे हैं, और अंदर से बिल्कुल कीड़ा भरा हुआ है यार, गुस्सा आ जाता है यार। सुबह सुबह अगर ऐसा काम मिल जाए ना जिसमें आपको और ज़्यादा मेहनत लग जाए, आज मैं सोच के उठी थी ना कि चलो आज जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँगी और बहुत सारे रील्स बनाऊँगी, बहुत सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगी, एकदम दिमाग ख़राब होकर रख गया है यार। ये पता नहीं कहाँ से सब्ज़ी लेकर आए हैं, ऊपर से एकदम हार्ड है, देख के लग ही नहीं रहा है कि इसमें सड़ा हुआ होगा, गलती इनकी भी नहीं है यार, सामने से जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो इनको कैसे विश्वास होगा, बट फिर भी यार गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि ना मैं नहीं लेकर आई हूँ ना, इसीलिए। यहाँ पे देख रहे हो आप, मैं जितने करेले कट नहीं कर रही हूँ ना उससे ज़्यादा करेले फेंक रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, इतने पैसे वेस्ट होते हैं यार इन चीज़ों में, इतने सारे करेले आ भी गए हैं फेंक तो नहीं सकते हैं ना आप। फाइनली मैंने क्या किया ना, वापस सारे करेले को धो के और दो तीन पानी से ना मैं इसको वॉश कर ले रही हूँ। वैसे धोना तो ऐसे नहीं चाहिए कट करके, नहीं तो सब्ज़ी का सारा प्रोटीन निकल जाता है, बट मैं क्या करूँ, मेरा ना मन नहीं मानता है, मुझे संतुष्टि नहीं होती जब तक मैं ऐसा ना करूँ, क्योंकि ना कीड़े वाली चीज़ को देख लिया ना मैंने, वहाँ उसको खाना है, तो मैंने दो से तीन पानी से ना धो लिया जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो, उसके बाद ही मैं इसे बनाऊँगी। आप देख लो फ्रेश हो शो। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया था, मैं इसमें करेले डाल रही हूँ, पहले करेले डालूँगी उसके बाद मिर्च डाल के इसको अच्छे से छोंक दूंगी। ये छोंकना हमारे बिहारी लैंग्वेज में बोला जाता है, आप लोगों को क्या क्या बोला जाता है बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मिर्ची भी तोड़ के ना डाल दिया है, और यहाँ पे करेले को ना करेले को फुल स्पीड में बनाऊंगी, और यहाँ पे आंच दीजिए, यहाँ पे मेरा जो चाय भी है वो भी बन गया, आप देख सकते हैं कितना करेला वेस्ट हो गया यार। फाइनली जो मेरा करेला का भुजिया बन के रेडी, आप देख सकते हो उसको अच्छे से मैंने ना तेज़ फ्लेम पे बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, और नीचे दाल भी मेरा बन गया। यहाँ पे मैंने आलू भी निकाल लिए हैं जो मेरा बॉयल हो चुका था, और यहाँ पे मैंने तो जब तक मेरा दूसरा काम हो रहा है ना, मतलब तब तक मैं यहाँ पे अपना जो
मुझे चोखा बनाना है ना, फ्राई चोखा, उसके लिए मैं प्याज को कट कर लेती हूँ। मुझे लगता है 2 प्याज में होगा नहीं, क्योंकि फ्राई चोखा के लिए ना प्याज ज़्यादा डालो तो टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर ले रही हूँ, कटिंग वटिंग थोड़ी बच गई थी मेरी, क्योंकि किचन तभी ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, बाकी काम कर लिया था मैंने। यहाँ पर एक और प्याज मैंने ले ली। फ्राई चोखा में ना ज़्यादा प्याज डालने से ना सोना सोना टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोग तो ऐसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा ज़रूर। एंड यहाँ पे जो मेरे प्याज है वो छिल गए, मैं धो के ना इसको कट कर लेती हूँ। खीरा मैं लास्ट में कट करूँगी, क्योंकि जब मुझे बनाना होगा तब कट करूँगी, क्योंकि ना बहुत देर का सैलेड कट किया हुआ या फ्रूट्स कट किया हुआ खाना नहीं चाहिए कभी भी, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, और उसमें फंगस लग जाता है और हमें पता नहीं चलता है वो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चाकू, तो यहाँ पे मैं प्याज को ना बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ हमारे चोखे के लिए। और यहाँ पे आलू फिर छील लूँगी, तो पहले मेरे प्याज कट जाए। और प्याज कट करते करते ना मैं बीच बीच में ना वीडियो रोक रोक के रील्स वगैरह शूट कर रही हूँ, आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना डेडिकेशन के साथ काम कर रही हूँ, मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं जो कर रही हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कीजिएगा ज़रूर लाइक कमेंट, और प्लीज़ गलत कमेंट्स मत कीजिएगा। मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिनको मजाक उड़ाना ना वो अपना मजाक उड़ाए, मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। तो तो मेरा प्याज यहाँ पे चॉप हो चुका है, देख सकते हैं। और इतना प्याज ना मैंने रख दिया है सैलेड के लिए, खीरा और प्याज। और चलिए अब यहाँ पे ना कढ़ाई हमारा जो है वो फिर से गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें तेल डाल के ना प्याज फ्राई। यहाँ पे मैंने आलू को भी छील के मैश कर लिया, और प्याज देख सकते हैं हमारा इतना ब्राउन हो गया है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है। और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया है। आलू और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ना मैं थोड़ा सा ना इसमें हल्दी भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चुटकी भर हल्दी नमक हल्दी ऐड किया है, क्योंकि ना यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए हल्दी नहीं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं नियम के लिए हल्दी ऐड कर रही हूँ। क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृति में है ना कि आप कोई भी चीज़ अगर नमकीन चीज़ें बना रहे हो तो उसमें हल्दी थोड़ा सा भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो खुशी का मतलब वो देता है, क्या बोलते हैं उसको, खुशी का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल ना इसको फ्राई कर लेती हूँ मैं, और फ्राई करके ना अच्छे से थोड़ी देर तक इसको पका लेती हूँ। ये ना फ्राई चोखा बहुत बहुत टेस्टी लगता है, आप कैसे भी खा सकते हो। अगर आप आलू पराठा बनाना चाहते हो और सिंपल बनाना चाहते हो, मसालेदार नहीं, तो सेम यही वाला सिर्फ चोखा, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बना सकते। तो यहाँ पे मेरा चोखा पक रहा था, मैं रूम में आ गई थी देखने के लिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है। मेरी बाबू को देखिए, मैं इसको देख देख के स्माइल कर रही हूँ, और जब जब मैं इसको देख के स्माइल कर रही हूँ ना, ये भी मुझे देख के स्माइल कर रही है, और जब मैं चुप हो रही हूँ तो ये भी चुप हो जा रही है। तो यहाँ के साथ खेलने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, और यहाँ पे हमारा जो चोखा था ऑलमोस्ट डन था, बन गया था, और स्मेल आ गया था चोखा का कि हाँ चोखा बन चुका है। क्योंकि मैं रूम में जब गई थी ना तो मुझे उसी समय स्मेल आ रहा था कि चोखा बन गया है। फिर भी इसको ना 2 मिनट के लिए थोड़ा सा और पका लेंगे, ताकि हल्का सा भी कच्चापन ना रहे और टेस्टी लगे चोखा।